अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग सा चैनल अब्दुल्ला व्लॉग्स। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हैं, तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। हर व्लॉग में एक वादा होता है कि नया व्लॉग शुरू करेंगे जी, रोज़ाना नया व्लॉग आएगा। हर व्लॉग बना एक वादा लाजमी होता है, तो होता फिर कुछ इस तरह से कि टाइम नहीं मिलता, स्कूल जाना होता है, ट्यूशन। तो खैर आजकल तो ट्यूशन छोड़ी है, लेकिन फिर भी ना टाइम नहीं मिलता, इस वजह से अब व्लॉग रोज़ाना नहीं बनता मेरे से, ठीक है। ऊपर से कंटेंट ढूंढना भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रोज़ाना व्लॉग अपलोड करना कोई आसान बात नहीं है। पीछे रमज़ान ने मैंने 3-4 व्लॉग अपलोड किए थे, डेली व्लॉग, तो उसमें ना इतनी मेहनत लगती है कि फिर एडिट करना होता है और फिर अपलोड करना होता है। ये जो मोटा व्लॉग होता है ये तो चले फिर भी थोड़ा बहुत आराम से बन जाता है, लेकिन जो वो दूसरा व्लॉग होता है ना, वो बंदे को सेट करके रख देता है, क्योंकि एडिटिंग बहुत सख्त होती है। तो एडिटिंग करो, थोड़ा सा भी गलत हो जाए सारा आपको होता है, दोबारा से करना पड़ता है। एक दफ़ा तो इस तरह से हुआ, हमने वीडियो अपलोड की वो चार्ली वाली जो थी, हमने बनाई थी ना वो वाली वीडियो हमने अपलोड की, वो हमारा थोड़ा सा गलती की वजह से ना सारे का सारा काम ख़राब हो गया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हमने स्कूल का काम करना था, मैंने तो ना सारा दिन पहले मैं आया तो सो गया, फिर अब रात को हमने जाना था नोट्स लेने, तो हमने नाइट राइड बना दिया इसको ना, कि रात को चेक करेंगे मज़ा आएगा। मोटी व्लॉग आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी जब व्लॉग बनाने के बाद हम लोग भी दोबारा देखते हैं कि किस तरह से बना। ये नहीं होता कि एक दफ़ा बना लिया ना तो बस फिर ख़त्म, फिर दोबारा नहीं बनाना। तो सबसे पहले नोट्स लेते हैं, सबसे पहले नोट्स लेते हैं, उसके बाद लेंगे जी कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है भूख। पहले नोट्स लेके फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, घर ही लेके जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने तो देखना होता है जी, सिर्फ व्लॉग में जंप आ गया है, तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट, और आप भी बस राइड इंजॉय करें। हमारा ये मोटो व्लॉग देसी सेटअप, इस पर भी वीडियो बनाएंगे, पहले व्लॉग में भी कहा था कि इस पर भी वीडियो बनाएंगे, कि हमने ये किस तरह से बनाया। मोटो व्लॉग मैं बनाता हूँ मोबाइल से, हमने अपना मोबाइल का सेटअप किया हुआ है इधर हेलमेट के ऊपर, तो 30 रुपये हमारे सिर्फ लगे थे इस हेलमेट के ऊपर ना मोबाइल लगाने पे, तो आराम से बन गया था हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। बस इसका एक मसला रोटेट थोड़ा सा नहीं होता और गिरने का खर्चा होता है, यहाँ गिरने की डर लगा रहता है कि भाई टेंशन होती है ना कि गिर ना जाए, क्योंकि लेकिन हमने पिछली वीडियो में टेस्ट तो कर लिया था, खैर अलग ऊपर से गिरेगा तो नहीं है, ठीक है ना। तो शुक्र है इतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करता है या हिलता, वाइब्रेट तो क्या करना, नहीं हिलता तो इतना ज़्यादा नहीं हिलता। बस अब ये रश काफ़ी ज़्यादा हो गया, फटाफट को ओवरटेक करके निकालते हैं। सबसे पहले नोट्स लेते हैं आगे से जाके ना, फिर उसके बाद कुछ करते हैं, क्योंकि नोट्स सबसे पहले चाहिए, ज़रूरी है ना नोट्स। फिर और ऊपर से आपको होता है एक दिन छोड़ के, एक दिन जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया है मंडे से, आज मंडे है, एक दिन छोड़ के एक दिन वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, इसलिए हमें करना पड़ेगा जी, जिस दिन स्कूल जाएंगे उसी दिन हमें सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो जब था ना एक छुट्टी एक दिन जाना है, इस तरह से फिर हम काम कर लेते थे कि एक दिन किया, एक दिन रेस्ट, अगले दिन काम करके थोड़ा बहुत, इस तरह से चल जाता था, लेकिन अब इस तरह से नहीं चलेगा। पहले देखते हैं जी शालीमार बुक सेंटर खुला है, शालीमार बुक सेंटर आगे है पड़ा। सबसे पहले पूछते हैं जी इनसे कि
अगर मिलेगा जा माही पूछा चल मैं लेके खुद मैं खुद लेकर ये तो नोट्स तो मिल गए हैं ना और स्नो वाइट वाला वो ले लेते हैं मास्क मीरा के लिए और मेफेयर वाले वो भी हैं इनके पास बिस्कुट भी हैं फ्रेंच चाट वो लेने चलो इसको बंद कर दे सोच को वो मास्क दे दें ये वाला अच्छा ये स्नो वाइट वाला भी दिखाएं और ये वाला भी ये वाला बच्चों हाँ बच्चों वाला बच्चों के लिए चाहिए और ये वाला ब्लू वाला जी माही दिखा हर्ष क्योंकि ये काफ़ी जगह से हमने ढूंढे मिलते नहीं हैं आपके चलें फिर आपसे ले ठीक माही एक ये वाला मैंने ये वाला लिया बाकी वो दूसरे हैं पकड़ लो ये वाला नहीं लिया ये वाले और बाकी वो वाले कौन सा सही है ये वाला सही है ना हाँ। ये वाला पर इसको मुझे ये नहीं नहीं सिला है ये मेरे ख्याल से ये सिला है ना अंदर से सिला है नहीं तोड़ती बस इसको डाल ले बीच में ठीक आ जा इसको इसी शॉपर में डाल दे चाबी नहीं डालनी सिर्फ यही डालना मास्क भी मिल गया और मास्क वाला कितने का दिया उन्होंने 80 रुपये का तो मास्क हमने लिया है अपनी हमारी छोटी बहन है ना उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है तो हम स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं सिंपल मास्क ना क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होती है क्लासों में तो ये N95 वगैरह इस तरह के पहने नहीं जाते ना तो हमारी छोटी बहन है उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है तो हमने सोचा क्यों ना उसके लिए ले लेते हैं तो मिला तो महंगा है लेकिन कोई बात नहीं नोट्स भी मिल गए हैं बुक भी मिल गई है और अब बाकी रह गया है कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए क्या ले लें अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी ना उसी तरह से इस व्लॉग में भी आपको बताता चलूँ कि जब ये कोई बंदा अब GoPro है ना GoPro तो चले फिर भी छोटा सा इतना सा होता है चल जाता है लेकिन अब ये मोबाइल इतना बड़ा जब सामने लगा होता है ना अगला बंदा देख के परेशान हो जाता है कोई तो पहले इस खड्डों वाली जगह से गुजर जाते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे आगे काफ़ी बड़े बड़े ट्रक ले भी जा रहे हैं ठीक है फिर आगे चल के बात करते हैं अच्छा मैं बता रहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जब ना इसके आगे मोबाइल लगा था ना तो लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है इतना बड़ा आगे मोबाइल लगाया हुआ है तो ये क्या कर क्या रहे हैं बिल्कुल ही ना जैसे लोग डर जाते हैं जब दुकान वाले भाई हैं ना पहले नोट्स लेते हुए वीडियो नहीं बनाई फिर उनसे पूछ के वीडियो आगे पता बना सकता है क्योंकि ये मुल्तान में इतना ट्रेंड नहीं है जिस तरह आप लोगों को ना मैंने पहले भी बताया है मुल्तान में इतना ट्रेंड नहीं है इसलिए लोग घबरा जाते हैं कि वीडियो बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं तो अभी माइक का जितना फर्स्ट व्लॉग फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन कह दिए इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट
पहले व्लॉग में ना वॉइस जो हमने देखी माइक के बगैर, आपने भी सुनी होगी व्लॉग का, आपने देखे होंगे कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब के वो था बड़ा क्वालिटी वॉइस की, लेकिन थोड़ा सा माइक का फील हो रहा था जैसे अब हवा चल रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना शाँ इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो हमने तो भाई अपना इतना कोई महंगा सेटअप बनाया नहीं, सिर्फ हमारे 30 रुपये लगे हैं। वो भी घर में चीज़ पड़ी थी लेकिन वो ना ख़राब थी, गल गई थी जिसे कहते हैं ना, तो उस तरह से, वरना हमारे 30 रुपये भी ना लगते, बिल्कुल मुफ्त में बन जाता, क्योंकि पहले से आया था, बार बार लेना ही ना पड़ता ना हमें, तो इसलिए। बाकी आज का व्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। अब हम आए थे रोड पे, मेन रोड है ये ना इधर का, बाईपास मुल्तान का, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है। खाने पीने के लिए लेने आए थे, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो चलें ढूंढते हैं, अगर मिल गया थोड़ी देर में कुछ तो फिर ले लेंगे, उसके बाद नहीं तो टाटा वाइबर करेंगे जी। आप इतना लंबा व्लॉग तो बना नहीं सकते, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, अब हमने सोच रहे हैं कि क्यों ना इस ऐसी जगह पे हेलमेट पहनना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा व्लॉग भी बन जाता है और हेलमेट तो पहनना ही पहनना होता है, व्लॉग भी बन जाता है, ठीक है। लाइट तो चलाई नहीं हुई थी इतनी देर हुई, हेलमेट पहना होता ना तो बंदे को याद नहीं जाता कि लाइट चलानी है या नहीं चलानी। अब देखते हैं जिससे हम लेते हैं चीज़ खाने की, वो दुकान खुली होती है या नहीं, अगर बंद होगी तो फिर नहीं लेंगे, फिर घर चलेंगे सीधा, बस खुली होगी तो ले लेंगे, देखते हैं बाकी क्या सीन बनता है ना। ऑफ रोडिंग पता नहीं ये रोड भी कब बनेगा, ये है जहाँ पे हमारा घर है ना उसके साथ बिल्कुल मेन रोड है, तो उस मेन रोड का ये हाल है कि जब इधर तो इन बंदे को ना रोटी खा के आना चाहिए कि जैसे ही रोटी खाए और यहाँ आ जाए ताकि सारा कुछ ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पे तो 5 मिनट में सारा कुछ नीचे उतरेगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओए दुकानें बंद हैं, अपने साथ हो गया प्रैंक। जहाँ से हम लेते हैं खाने पीने की चीज़ें वहाँ से वहाँ पे हमारे साथ हो गया जी प्रैंक, क्योंकि यहाँ से हम लेते थे ना खाने पीने की चीज़ें, वो दुकानें हमने देखा बंद है, तो हो गया है प्रैंक अपने साथ, प्रैंक। अब चलते हैं वापस घर, तो चलें घर वापस चलते हैं और आज के व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को मस्त लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अच्छा अल्लाह हाफिज़। से पहले आप सब लोगों ने कमेंट में ये बताना है कि आपकी सिटी का वेदर किस तरह का, इधर मुल्तान में तो काफ़ी ठंडा मज़ेदार, एक दिन सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था ना इस तरह से बिल्कुल सर्दियों वाला मौसम था, जब मैं नहाया ऐसा ठंडा पानी कि जिस तरह से बिल्कुल ही बर्फ़ लगाई हुई हो, बिल्कुल सर्दियों वाला सेटअप था, फिर उसके बाद बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अब इसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है, हल गया
बहुत सुकून दे मौसम हो गया है। पहले तो गर्मियाँ थी, इतनी सर्दियों का इंतज़ार रहता मुझे बस, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं बहुत अच्छी और मुझे सर्दियाँ ही पसंद है, क्योंकि गर्मियों में एसी चलाओ, एसी से बाहर निकलो पसीना पसीना, बंदा पसीने से भर जाता है। तो चले याद है व्लॉग को हम करे थे, एंड अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।